जी हाँ नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में प्रदेश के युवाओं को 4,000 रुपये तक का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। अब अपने इस वचन से प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार विधानसभा में मुकर गई है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये मंथली बेरोजगार भत्ता देने का जो वादा किया था, अब कांग्रेस सरकार उस वादे से मुकर रही है। मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार की फ़िलहाल कोई योजना और नीति नहीं है। सरकार द्वारा युवा स्वाभिमान योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा ITI एवं पॉलीटेक्निक के माध्यम से कौशल संवर्धन का कार्य किया जा रहा है, जिससे उन्हें रोज़गार प्राप्त हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, इसके अतिरिक्त जॉब फेयर योजना के तहत रोज़गार मेलों का आयोजन भी किया जाता है, जहां उन्हें निजी क्षेत्र द्वारा रोज़गार के लिए चयनित किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर MP सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, वो 4,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता नहीं देने वाले हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री कमलनाथ के विधायक मुन्ना लाल गोयल के प्रश्न के लिखित जवाब में दी गई। तो जी हाँ दोस्तों, विधायक रमेश मैदोला के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जानकारी दी कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सेवाओं के विस्तार के लिए जिला स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित कर 1,00,000 बेरोजगारों को 5 वर्ष की अवधि का रियायती ब्याज दर पर ऋण बैंकों से उपलब्ध करवाने का उल्लेख वचन पत्र में है। जनवरी 2019 से जून 2019 तक तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अंतर्गत ITIS सेक्टर में 826 युवाओं एवं 367 बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।